माय किचन ट्रेजर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झटपट बनने वाला आंवले का अचार। जी हाँ, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। तो चलिए जानते हैं ये कैसे बनता है। आइए शुरू करते हैं। मैंने आंवलों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और अब ये निशान के साथ साथ हम इसे थोड़ा थोड़ा चीरा लगा लेंगे। सभी आंवलों पर हम 3 से 4 कट लगा लेंगे ताकि जब हम इन्हें पकाएं तो ये अच्छे से अंदर से गल जाएं। इस तरह से हम सारे आंवलों पर कट लगा लेंगे। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर हम रोज़ एक आंवला खाएं तो हम अपनी एजिंग भी स्लो कर सकते हैं, यानी हम ज़्यादा देर तक जवान रह सकते हैं। आंवला हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। मैंने सभी पे चीरा लगा लिया है, तो चलिए अब हम इन्हें पकाते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है मैंने, उसमें जीरा डालेंगे और उसे चटकने देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे ज़रा सी हल्दी। अब इसमें मिलाइए नमक, नमक ज़्यादा नहीं मिलाना है, और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ये झटपट अचार झटपट ही बन जाता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चीरा लगे आंवला और उन्हें अच्छे से मिला लेंगे और ढक कर एकदम धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। आंवला अच्छे से गल जाए उसके लिए हम इसमें ज़रा सा 1 चम्मच पानी मिलाएंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम इसे ढक कर बिल्कुल धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकने के लिए रखेंगे। पाँच से 7 मिनट के बाद बीच में एक बार उसे अच्छे से हिला देंगे ताकि आंवला कहीं नीचे से लगे नहीं। हमारे आंवला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक रहे हैं। धीमी आंच पे बनाने से ये जलते नहीं हैं। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो हमारे आंवला जल जाएंगे। इन्हें फिर ढककर हम पकने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे आंवला गल गए हैं कि नहीं। आप चम्मच से इसे तोड़ के देखेंगे, आसानी से अगर ये टूट रहा है इसका मतलब आपका अचार बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रखेंगे। हमारा झटपट आंवले का अचार बिल्कुल तैयार है। आप इसे 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट डब्बे में। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।